गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारा मॉलिकुलर इनहेरिटेंस का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। हमने सेंट्रल डॉग्मा पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन। बीच में प्रोसेस आता है या बीच में एक ऐसा मॉलिक्यूल बनता है जो उस इन्फॉर्मेशन को प्रोटीन तक लेकर जाता है, उसे हम क्या बोल रहे थे, आरएनए। तो सेंट्रल डॉग्मा का प्रोसेस, उसमें तीन प्रोसेसेस हो रहे थे, डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफर हो रही है उसे हम क्या बोल रहे थे, सेंट्रल डॉग्मा। तो इससे पहले हमने डीएनए रेप्लिकेशन किया था, जिसमें डीएनए से डीएनए बन रहा था। अब हम हमारा सेंट्रल डॉग्मा का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, जो क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए। कि डीएनए जो डबल हेलिकल डीएनए है, उसमें से एक स्ट्रैंड क्या बना देगा, आरएनए। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं बना रहे आरएनए, इनमें से केवल एक स्ट्रैंड की ही बात हम क्यों कर रहे हैं, क्यों है ऐसा। मान लो ये हमारा डबल हेलिकल डीएनए है, इससे मैं कहूं कि मेरा पास ये अलग हो गए, ये अलग हो गया, यहां से बनने लग गया आरएनए, ये बन गया आरएनए, इस वाले स्ट्रैंड से बन गया ये वाला आरएनए, ठीक है। अगर हम ये कहें कि दोनों स्ट्रैंड ही आरएनए बना रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि ये जो दो आरएनए बने हैं इनकी सीक्वेंस क्या होगी बच्चे, अलग अलग होगी। क्यों, समझो, देखो ए, जब आपका ए है उसके सामने कौन सा आ जाएगा, टी, टी के सामने जी, ये बेस पेयरिंग हमने पढ़ी थी, है ना। ऐसे ही आरएनए और डीएनए में सिर्फ क्या डिफरेंस है, अगर ए है यहां पर टी, यहां पर सी, यहां पर जी, तो आरएनए में क्या आएगा, ए की जगह टी आना चाहिए डीएनए में, लेकिन आरएनए में क्या आएगा, यूरेसिल आ जाएगा, यहाँ पर एडेनिन आ जाएगा, यहाँ पर ग्वानिन आ जाएगा, यहाँ पर साइटोसिन आ जाएगा। तो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हमने डीएनए में पढ़ी, वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग कैसे होगी, आरएनए के टाइम सिंथेसाइज होगी, कि ए के सामने कौन सा आरएनए सिंथेसाइज होगा, यूरेसिल, टी के सामने एडेनिन, सी के सामने ग्वानिन और ग्वानिन के सामने साइटोसिन, क्योंकि पेयरिंग के हिसाब से ही यहाँ पर आरएनए की सिंथेसिस होनी है। अब यहाँ पर क्या था बच्चे, थाइमिन, यहाँ पर एडेनिन, यहाँ पर ग्वानिन, यहाँ पर साइटोसिन, अगर हम डीएनए की बात करें तो इससे जो आरएनए बनेगा वो क्या होगा, एडेनिन, यहाँ पर एडेनिन आएगा थाइमिन के सामने, एडेनिन के सामने यहाँ पर क्या आएगा, यूरेसिल, यहाँ पर साइटोसिन और यहाँ पर, अब ये देखो ये भी एक दूसरे के साथ पेयर कर सकते हैं, है ना, एडेनिन की यूरेसिल के साथ पेयरिंग होगी, एडेनिन ग्वानिन की साइटोसिन। तो यहाँ पर अगर दोनों स्ट्रैंड से ही आरएनए बनेंगे तो हमारा ये आरएनए क्या हो जाएगा, आपस में कॉइल्ड हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया तो क्या है, हमारी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस कराने के लिए राइबोसोम के पास, जो राइबोसोम के साथ आरएनए जुड़ेगा, दैट शुड बी सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हुई जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, केवल एक स्ट्रैंड ही अगला आरएनए बनाता है, कि अगर दोनों स्ट्रैंड आरएनए बना रहे हैं तो दैट स्ट्रैंड शो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग एंड बिकम डबल स्ट्रैंडेड, दस प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप। दूसरी सिचुएशन क्या हो जाती है कि मान लो ये पेयरिंग भी नहीं करते, डबल दोनों ही आरएनए बन रहे हैं, ये वाला आरएनए अलग है, यू ए जी सी, समझो आगे ऐसे पेयरिंग होती चली जाएगी, दूसरा हमारा क्या बना था, ए यू सी जी, तो प्रोटीन सिंथेसिस जो होएगी वो इनको रीड करती है, जब इन आरएनए, ये दोनों आरएनए बन गए हमारे, इन आरएनए से अब जो प्रोटीन बनेंगे वो इन
जो ये न्यूक्लियोटाइड हैं इनको रीड करके बनता है। आगे हम जेनेटिक कोड की डिटेल पढ़ेंगे, वहां पर आप समझोगे कि ये जो न्यूक्लियोटाइड आए हैं इन्हीं के हिसाब से हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में अमाइनो एसिड आएगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखो UAG है तो ये अलग अमाइनो एसिड बनाएगा, यहां पर AUC है ये एक अलग अमाइनो एसिड बनाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक ही जगह से दो अलग तरीके की प्रोटीन बन रही हैं। कब? जब हमारे दोनों स्ट्रैंड क्या बना रहे हों, RNA बना रहे हों। लेकिन अगर एक ही स्ट्रैंड बना रहा है, मान लो ये वाला स्ट्रैंड बना है, तो सिर्फ यहां से प्रोटीन बनेगी, तो एक ही टाइप की प्रोटीन बन रही है फ्रॉम वन साइड, तो दैट इज गोइंग ऑन, वही हो रहा है हमारी बॉडी में। एक ही जगह से दो तरह की प्रोटीन्स नहीं बन रही है और ना पॉसिबल है। दो तरह की प्रोटीन्स हैं तो हम कौन सी प्रोटीन को हम फंक्शनल कह सकते हैं, हमें नहीं पता। तो इन दो रीजन की वजह से हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक स्ट्रैंड ही एक्ट करता है टेम्पलेट की तरह, जिसमें से क्या बनेगा, RNA बनेगा। तो वो स्ट्रैंड जो टेम्पलेट जिससे क्या बनेगा आपका प्रोटीन RNA बनेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, नॉन टेम्पलेट बोलेंगे, या हम बोल दें कोडिंग। कोडिंग वर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसकी सीक्वेंसेस बिल्कुल किसके जैसी होंगी, RNA के जैसी होंगी। उसकी सीक्वेंस कैसी होंगी, बिल्कुल RNA के जैसी होगी। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि क्या कौन से स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे और कौन से स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे, कोडिंग या नॉन सेंस वर्ड भी हम यहां पर यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये देखो एक ये स्ट्रैंड हुआ 3:5 और दूसरा है 5:3। ये जो 3:5 है ये एक्ट करेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्यों करेगा ये टेम्पलेट, दूसरा क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जो RNA सिंथेसिस होती है, जैसे हमने DNA रेप्लिकेशन करी थी, वो 5:3 में ही होती है। यहां पर भी आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन है 5:3 में होगी, तो ये ओपन हो गया, तो यहां से आपका RNA बनना शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर नहीं बनेगा। ठीक है, इसके ऊपर कौन सी, ये 3:5 है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा बनेगा, 5:3 की डायरेक्शन में आपका RNA सिंथेसाइज हो जाएगा, क्योंकि जो एंजाइम चाहिए RNA बनाने के लिए वो कौन सी डायरेक्शन में काम करता है, 5:3। तो 3:5 वाला जो आपका स्ट्रैंड है DNA का, दैट एक्ट एज ए टेम्पलेट, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बोल रही हैं, क्योंकि जो RNA बनेंगे टेम्पलेट से, वो उसकी सीक्वेंस बिल्कुल इस स्ट्रैंड जैसी होगी। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, DNA में तो थाइमिन है, RNA में क्या आएगा, वहां पर यूरेसिल आएगा, सिर्फ ये डिफरेंस है। बाकी ये जो स्ट्रैंड है बिल्कुल RNA जैसा ही होगा, सिर्फ थाइमिन का डिफरेंस है, थाइमिन की जगह क्या आएगा, यूरेसिल आएगा आपका RNA में। तो वो स्ट्रैंड जिससे हमारा RNA सिंथेसाइज हो रहा है, हम उसको क्या बोल रहे हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है जो DNA का, उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड या नॉन सेंस, क्योंकि इससे नहीं बन रहा है कुछ, किससे बन रहा है, इससे बन रहा है, इसको हम बोलेंगे सेंस स्ट्रैंड बोलेंगे। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हमें समझ आया कि DNA से हमारा RNA बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। तो दोनों ही स्ट्रैंड एक्ट नहीं करते, केवल एक स्ट्रैंड से ही RNA बनेगा, और वो स्ट्रैंड जो RNA बना रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन, जैसे हमने रेप्लिकेशन में किया था, एक स्पेसिफिक रीजन था जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही थी, उसे हम बोल रहे थे ORC रीजन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोल रहे थे। ऐसे ही आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ये नहीं है कि कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा, स्पेसिफिक
एरिया होते हैं जहां पर ट्रांसक्रिप्शन होती है, वो स्पेसिफिक एरिया कौन से होंगे जहां से प्रोटीन बननी है। मान लो मैं कहूं मेरे बालों का जो रंग है उसको बनाने वाली प्रोटीन कहां पर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम 3 में प्रेजेंट है, तो सिर्फ वो क्रोमोसोम 3 वाली जीन ही क्या होगी, ट्रांसक्राइब्ड होएगी। ये नहीं कि सारा का सारा डीएनए ट्रांसक्राइब्ड हो जाएगा, नहीं, जोन सा प्रोटीन हमें चाहिए जिस वक्त उसी प्रोटीन का आरएनए बनेगा। ये नहीं है कि सारा का सारा डीएनए ही ट्रांसक्राइब्ड हो जाएगा। तो अब वो जीन जहां पर प्रेजेंट है उसको पहचानने के लिए कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। जैसे हमने रेप्लिकेशन में ओआरसी रीजन पढ़ा था कि वो पहचान करवा रहा है, ऐसे ही हमारी स्ट्रक्चरल जीन को, या हम कहें जिनसे प्रोटीन बननी है, वो जीन को पहचानने के लिए कुछ ना कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होंगी हमारे डीएनए में। उन सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर। क्या बोलेंगे हम, प्रमोटर। तो हमारा वो प्रमोटर क्या हुआ, वो सीक्वेंस 5-एंड की तरफ किसमें, कोडिंग स्ट्रैंड में, जो हेल्प करेगा किसको पहचान कराने में, आरएनए पॉलीमरेज को यहां पर अटैच कराने में मदद करेगा। तो प्रमोटर क्या है, सीक्वेंसेस हैं कौन से स्ट्रैंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 5-एंड की तरफ है, 5-एंड की तरफ है कौन से स्ट्रैंड में, कोडिंग स्ट्रैंड में, यहां पर पहचान होती है और यहां पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, फिर यहां से वो आरएनए बनाना शुरू कर देगा। किसके ऊपर, इस वाले स्ट्रैंड के ऊपर, 3:5 की डायरेक्शन में। लेकिन प्रमोटर की सीक्वेंस कहां पर प्रेजेंट है, कोडिंग स्ट्रैंड में 5 डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। तो प्रमोटर पहचान करवा रहा है, उसके बाद क्या आ जाएगी आपकी स्ट्रक्चरल जीन जिससे आरएनए बनेगा, ठीक है, जो आगे जाकर क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। फिर यहां से आरएनए बनता रहा, फिर हमारा आरएनए जब कैसी सीक्वेंस पर आ जाएगा, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर क्या है, वो सीक्वेंसेस जो आरएनए को यहां पर बाइंड नहीं रहने देगी, आरएनए को यहां से हटा देगी। मतलब यहां पर ऐसी सीक्वेंस, ऐसी बाइंडिंग होगी कि अब आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं मूव कर पाएगा और वो यहां से हट जाएगा, तो फिर यहां से आरएनए सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। तो हमारे ट्रांसक्रिप्शनल जो यूनिट होती है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। यूनिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक कोई जीन नहीं है, बहुत सारे पार्ट्स इन्वॉल्व हैं जहां पर ट्रांसक्रिप्शन होती है, जहां से आरएनए बनता है। तो इनिशियल पार्ट जहां पर आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट होने जा रही है उसे हम बोलते हैं प्रमोटर, और जहां पर आरएनए सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटर, ठीक है। ये सारा प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, ये क्या कहलाया जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या कहलाई जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाई जाएगी। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर है, टर्मिनेटर है, और क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। इसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी बोलते हैं, और एक और टर्म से बोलते हैं सिस्ट्रॉन। किससे बोलते हैं, सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन क्या हुआ, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। वो डीएनए का हिस्सा जो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन सिर्फ कहां से बनेगी, स्ट्रक्चरल जीन को। स्ट्रक्चरल जीन को पहचान करवाने के लिए आगे क्या लगा हुआ है, प्रमोटर, और पीछे क्या लगा हुआ है, टर्मिनेटर। तो सिस्ट्रॉन क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट को हम सिस्ट्रॉन से भी जानते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में ये सिस्ट्रॉन क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे हम कहें कि वो पार्ट जिससे प्रोटीन बनेगी, हम यूकैरियोट्स में, जैसे हम हायर एनिमल्स में या प्लांट्स में, हमारे कैसा है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, मोनोसिस्ट्रॉनिक है। मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब एक प्रमोटर और एक टर्मिनेटर के बीच में केवल एक ही स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होगी, मतलब यहां से केवल एक पॉलीपेप्टाइड बनेगा, ठीक है, सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड। जैसे मैं कहूं हीमोग्लोबिन बनाने के लिए अल्फा भी चाहिए, अल्फा पॉलीपेप्टाइड, बीटा भी चाहिए, तो अल्फा अलग
जीन से बन रहा है, बीटा अलग जीन से बन रहा है, उसका अल्फा का प्रमोटर अलग है, बीटा का प्रमोटर अलग है। तो एक पार्ट से केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड बनता है, ऐसे सिस्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, दूसरा है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब है कि जब ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में एक स्ट्रक्चरल जीन ना होकर बहुत सारी जीन्स हो, बहुत सारी, यहां से अलग पॉलीपेप्टाइड बनेगा, यहां से अलग, यहां से अलग, यहां से अलग, मतलब समझो चार तरीके के एंजाइम यहां से बन सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ किन में होता है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में। हायर ऑर्गेनिजम्स में एक प्रमोटर से केवल एक ही टाइप की प्रोटीन बनेगी, जबकि लोअर ऑर्गेनिज्म में एक प्रमोटर से बहुत सारी प्रोटीन्स बन सकती हैं। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता कैसे है। इसमें ज्यादा एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं है जैसे हमारे रेप्लिकेशन में, मेन एंजाइम है सिर्फ यहां पर आरएनए पॉलीमरेज, जबकि हमारे वहां पर कौन सा मेन एंजाइम था, डीएनए पॉलीमरेज 3 था। ठीक है, अब इनिशिएशन, इनिशिएशन का मतलब क्या होता है, 3 स्टेप्स में होगी आपकी ट्रांसक्रिप्शन। इनिशिएशन, इनिशिएशन का मतलब स्टार्ट होना। स्टार्ट होने के लिए एक फैक्टर चाहिए जिसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। क्या बोलेंगे हम, सिग्मा फैक्टर चाहिए, ये इसे हम इनिशिएशन फैक्टर भी बोलेंगे। फैक्टर मींस प्रोटीन है ये, क्या है ये, प्रोटीन है। समझो ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, यहां पर समझो हमारा प्रमोटर प्रेजेंट है। प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट होता है, नॉन कोडिंग कोडिंग सीक्वेंस में, किस तरफ, 5-एंड की तरफ। तो समझो ये हमारा प्रमोटर है और इसके पास आकर क्या जुड़ गया, हमारा सिग्मा फैक्टर आकर अटैच हो गया। जैसे ही सिग्मा फैक्टर यहाँ पर अटैच हो जाता है, ये जो बॉन्डिंग्स थी न्यूक्लियोटाइड्स में, ये क्या हो जाएगी, लूजन हो जाएगी, ये टूट जाएगी। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनिशिएशन। तो सिग्मा जो फैक्टर है वो क्या, किसको पहचान कर रहा है, प्रमोटर की पहचान कर रहा है एट द 5-एंड इन कोडिंग सीक्वेंस। यहां पर आकर अटैच हो गया जिसकी वजह से यहां पर बॉन्डिंग क्या है, टूट गई। जैसे ही बॉन्डिंग लूज हो जाएंगी, फिर कौन आएगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा, और वो आरएनए पॉलीमरेज, समझो ये 3-एंड हो गए, ये 5-एंड। देखो 5-एंड की तरफ प्रमोटर था, प्रमोटर पर क्या आकर जुड़ा, सिग्मा। जैसे ही ये बॉन्डिंग लूजन हो गई, क्या हो जाएगा, यहां पर आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज कौन से स्ट्रैंड के साथ बाइंड कर जाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ। टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होगा, अब यहां पर 5-एंड है तो 3-एंड है, यहां से जो सिंथेसिस स्टार्ट होगी वो कौन सी होगी, 5-एंड। तो ये 5-एंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, 5-एंड स्टार्ट हो गया, 3-एंड की तरफ न्यूक्लियोटाइड ऐड होते रहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलोंगेशन, कि आरएनए क्या है, इलोंगेट होता चला जाएगा। ठीक है, ये आरएनए बनता चला जा रहा है, किसकी हेल्प से, आरएनए पॉलीमरेज। यहां पर किसी भी तरीके का प्राइमर इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि जैसे वहां पर प्राइमर क्यों चाहिए था हमें, क्योंकि बॉन्डिंग इजी बनाने के लिए, यहां पर तो खुद ही आरएनए बन रहा है, इसलिए आरएनए प्राइमर की जरूरत ही नहीं है। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये कौन सा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड पर क्या बनाना, सिंथेसाइज कर देगा आरएनए 5 डायरेक्शन से 3, ये ऐसे बनता चला जाएगा। तो 5 क्या है, बाहर निकलता चला जाएगा, 5-एंड नीचे की तरफ होता चला जाएगा, और 3-एंड क्या है, और ऐड होता रहेगा, क्योंकि हमें पता है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड हमेशा किस तरफ होते हैं, 3-एंड, OH जहां पर फ्री हो इस तरफ होते हैं, तो 5-एंड इधर निकलता चला जाएगा। ठीक है, ये इलोंगेशन का प्रोसेस हुआ। ये कब तक होता रहा, जब तक क्या ना आ जाए, आपके
कोडिंग सीक्वेंस पर क्या ना आ जाए, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर को पहचान कराने के लिए एक और फैक्टर काम करता है, सिग्मा, सॉरी रो। कौन सा फैक्टर? रो फैक्टर काम करता है। तो जैसे ही टर्मिनेटर पर आपका आरएनए पॉलीमरेज पहुंचेगा, यहां पर टर्मिनेटर के साथ क्या बाइंड कर जाएगा, रो फैक्टर बाइंड कर जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज आपका निकल जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज निकल गया तो अब आरएनए सिंथेसिस क्या है, रुक जाएगी। आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिल जाएगा। ये आपको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मिल गया 5:3 की डायरेक्शन। 5 एंड पर बच्चे क्या प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट, है ना, हमने पेयरिंग में पढ़ा था। और 3 एंड की तरफ क्या होगा, OH होगा। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसेस था हमारा रेप्लिकेशन का, ट्रांसक्रिप्शन का, जिसमें सिर्फ 3 चीजें इन्वॉल्व हैं, इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा, आरएनए पॉलीमरेज और रो फैक्टर। 3:5 एंड का जो हमारा स्ट्रैंड है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, वो एक्ट करेगा टेम्पलेट, और 5 एंड का जो स्ट्रैंड है उस तरफ क्या प्रेजेंट है, प्रमोटर, जिसके साथ क्या बाइंड कर जाएगा, सिग्मा। सिग्मा फैक्टर बाइंड होते ही क्या हो जाएगा, वहां से ओपन बन जाएगा, बबल बन जाएगा, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ जाएगा और आरएनए की सिंथेसिस को स्टार्ट कर देगा। ये आरएनए सिंथेसिस कंटिन्यू होता रहेगा जब तक आपका क्या ना आ जाए, टर्मिनेटर सीक्वेंस ना आ जाए। टर्मिनेटर सीक्वेंस आते ही क्या बाइंड कर जाएगा, यहां पर रो फैक्टर बाइंड कर जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज वहां से हट जाएगा, तो आपको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिल जाएगा। लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नॉन फंक्शनल होता है। क्या होता है, नॉन फंक्शनल है, ये अभी काम नहीं करेगा। ठीक है, हमने नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल मतलब इससे अभी प्रोटीन्स नहीं बन सकती। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि भी कैसे इस नॉन फंक्शनल आरएनए को फंक्शनल आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है। नॉन फंक्शनल है इसलिए इसका टर्म आता है हिट्रोजिनस आरएनए। हमने जब आरएनए के टाइप्स किए थे वहां पर हिट्रोजिनस आरएनए की एक टाइप लिखी थी, हिट्रोजिनस आरएनए दैट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड इट इज नॉन फंक्शनल आरएनए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे इस नॉन फंक्शनल आरएनए को फंक्शनल आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है, और उस फंक्शनल आरएनए को हम क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। क्योंकि मैसेंजर, मैसेंजर से ही नाम पता चल रहा है कि जो डीएनए की इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। तो इन्फॉर्मेशन तो इसमें स्टोर हो गई है लेकिन ये काम करने लायक नहीं है। तो काम करवाने के लिए एक प्रोसेस होएगा जिसमें ये हिट्रोजिनस आरएनए फंक्शनल आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और चीज, ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ये कहां पर हो रहा है बच्चे, न्यूक्लियस में। कहाँ पर हो रहा है, न्यूक्लियस में। जितने भी एंजाइम चाहिए वो सारे कहाँ प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। इसलिए ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस भी कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। रेप्लिकेशन का प्रोसेस भी कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। ठीक है, थैंक यू।